वाहे गुरु राणा रौन को रह रंग न तुंग फकीर बारी आपो अपनी कोए न बदतीर एक शिव पे एक गे गे एक हे राम गंधर कृष्ण के अवतार वर्मा और विष्णु के ते वेद अपुराण वेद पुराण के सिमरत सुन के होए होए बते हैं मोनंदी मदार किते असनी कुमार असनी कुमार हे अंतावतार किते काल बास पे तीर पगंबर किते गने नाभ गने ना परत तुम हित हो के फिर मने गुरु परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी ख्याल बाहर जान तो रोकिए
चित विरतियां एकाग्र करिए रसना दी पवित्रताई दे वास्ते सारे ही उच्चारण करो जी सतनाम श्री पातशाह जी दा ओट आसरा लै करके भाई साहब भाई दलजीत सिंह जी संधु साहब इन्हां तो छोटे भरा भाई अमरजीत सिंह जी संधु दोवें भरा ते अगे बीबियां बहुत प्यार वालियां बीबी परमजीत कौर कुलविंदर कौर इन्हां दे भरा अगे जजार सिंह सारे परिवार वल्लों सतगुरु जी दे ओट आसरे ले हन बतना तो दूर सत समुंदर पार दी धरती बेकर्सफील्ड USA अमरीका दे विच ए संधु परिवार निवास रखता है। प्यार है इधर करतारपुर साहब तो उधर गए हैं ते बीबियां दा पिछोकड़ पेके घर राजस्थान हनुमानगढ़ दे नेड़े है। ये प्यार वाले प्रेमी क्योंकि इस परिवार दे विच एक बहुत प्यारी इस परिवार दे प्रमुख बाबा जंगीर सिंह जी जो 19 जनवरी नूं इसे साल शरीरक तौर ते विछोड़े दे गए सन उन्हां दे निमित कर्म करन वास्ते उचेचे तौर ते भाई साहब भाई दलजीत सिंह जी संधु बीबी परमजीत कौर जी उस रुझेव्या भरी जिंदगी दे विच्चों समां कढ के इत्थे अज आए हन कीर्तपुर साहब गुरद्वारा पतालपुरी साहब दे विच जो नेड़े दरिया वगदा है उस दे विच पा जो उन्हां दीआं अस्थियां हन अज जल प्रवाह कीतियां गईआं हन। ये स्थान जो सतलुज दरिया दे किनारे ते जिंदवड़ी दे नेड़े बणिआ संत वेला रामगढ़ इस स्थान ते परसों रोज़ तो समूह संधु परिवार वल्लों सतगुरु जी दे ओट आसरे लै के अखंड पाठ प्रारंभ करवाए सन ते उस तो बाद कल मध दे भोग पे ते अज संपूर्णताई अखंड पाठ साहब जी दे भोग पे हन। उपरंत जो इस स्थान ते निवास रखदे ने स्वामी जी हर्षानंद उन्हां वल्लों विचार रखे गए हन क्योंकि ये इलाका क्योंकि सारा ही पंजाब पंज आब पंजां दरियावां दी धरती है ते इत्थे तां पानी दा वहा बहुत तेज चलदा है। पिछले दिनां दे विच जो पंजाब दा तीजा हिस्सा पानी ने डुबो लिया ते इत्थों भी तेज़ रफ्तार नाल पानी वगया भावें कि जदों पहला हड़ आया उस समय फ्लड गेट नहीं सन खोले गए पानी इत्थे तक कंट्रोल च रहा पर जदों फिर डैम भर गए उस पॉइंट ते पहुँच गए जिथे फ्लड गेट खोले जाते हैं 1680 फुट दे नेड़े फिर इत्थे किन्ना पानी चलिया उस समय भी इत्थे तां कोई पहुँच ही नहीं सी सारे पासे जल ही जल सी ते इत्थे क्योंकि महाराज की कृपा है रतवाड़ा साहब वल्लों जदों भी कोई नैचुरल कलैमिटी आउंदी है उस दे विच अपना योगदान पाया जांदा है ते इत्थे ए कोई डॉक्टर नहीं सन दवाइयां दा प्रबंध नहीं सी एक कृपा होई बाबा सतनाम सिंह जी जो इन्हां दे
क्योंकि परिवार प्यार वाले हैं। बाबा सतनाम सिंह जी की भूआ जी जो भाई दलजीत सिंह जी दे माता जी सन, उन्हां दे नाल किन्नी दिली सांझ सी। ते जदो ये बाबा सतनाम सिंह जी इस इलाके दे विच विचरे, रात दे सत्संग चलदे सन, बीबियां बहुत प्यार विच सिद्धियां धारना दा कीर्तन करदियां शब्द पढ़दियां सन, लय नहीं सी टुटदी। बाबा जी सहज सुभा बचन कीते कि किन्ना प्यार वाला ये आनंदपुर साहब दा इलाका है, इत्थे कोई स्थान बनना चाहिदा है। हफ्ता की लग्या साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोलिया बिरथा ना जाए। हफ्ते तो बाद ही इत्थे बाबा राम सिंह जी आए लंबड़दार, तरसेम सिंह जी इन्हां नूं मिले, ते होर सरपंच जसवंत सिंह जी, कुकल साहब, किन्ने प्रेमी हन, फौजी पटवारी साहब, सारे प्यार वाले। उन्हां वल्लों ये बेनती कीती गई कि लंबड़दार तरसेम सिंह जी दो एकड़ दे करीब 14 कनाल जमीन दान कर रहे हैं। कोई धरती की खिच हुंदी है, क्योंकि इलाका तो बरसात के दिनों विच बिल्कुल ही एक टापू वांगू बन जाता, घरां च भी पानी वड़ जाता। ये तो महापुरश किला आनंदगढ़ वाले सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा लाभ सिंह जी ने कार सेवा राही इस इलाके दे विच 7 पुल लाए, ते पुलां दे नाल इलाका जुड़ गया। सरकार दी जाग खुली, सड़कां बन गईयां, पर लोड़ सी कि इत्थे कोई डॉक्टर नहीं आउंदे, दवाइयां दा प्रबंध नहीं। सुरतवाड़ा साहब वल्लों एक कृपा होई है कि इत्थे हस्पताल चलदा है, बहुत प्यार वाली डॉक्टर जो प्रप्रीत कौर, प्यार नाल प्रीति कहिंदे ने, बहुत प्यारी बेटी जिसका सैक्रीफाइस है, 24 घंटे दरिया के कंढे जो कुटिया बनिया इत्थे नवास रखती है, नाल सेवा भी चलती है। जदों बीबियां प्रशादे बनाउंदियां ने, बॉडी सिस्टम पुछ लैंदी है, दवाइयां भी बहुत प्यार नाल दित्तियां जांदियां हन, कैंसर तक ठीक हो गए, क्योंकि भावना हुंदी है, श्रद्धा हुंदी है। इत्थे जो महापुरशां ने, जदों जौली ग्रांड स्वामी राम जी ने महापुरशां तो शिलान्यास रखवाया, जिवें पहला मस्तुआण वाले महापुरशां ने संस्कृत कॉलेज का शिलान्यास रखिया बनारस विच, उत्थे अज हिंदू यूनीवर्सिटी बन गई। दूसरी मिसाल ये मिलती है 1993 की गल है कि महापुरशां कोल वर्ल्ड फेम दे उद्योगी स्वामी राम जी आए, उन्होंने बेनती कीती ते शिलान्यास मेडिकल कॉलेज का विश्व गुरमत रूहानी मिशन रतवाड़ा साहब दे बानी महापुरशां तो रखवाया, ते अज ओ भी जो हिमालयन मेडिकल यूनीवर्सिटी का रूप धारण कर चुकी है। सो ये अपनी मिसाल आप है, उत्थे सारे संसार तो डॉक्टर आए सन, महापुरशां ने उत्थे एक सारयां दी जो कंबीनेशन करके कंबाइंड थेरेपी दी गल कीती कि नैचुरोपैथी दे विच मंत्र चिकित्सा दे नाल रोग दूर हो जांदे हन, क्योंकि मंत्र जो लैके गुरु तो दी कमाई करी जावे, नाम तक पहुँच होगी, रसवाई हो जाती है, सर्व रोग का औखद नाम बन जाता है। इस तरह के नाल इस स्थान ते ओ सतपुरशां दी सेध मुताबक इस कंबाइंड थेरेपी शुरू की गई है, सारयां दा ही कंबीनेशन किया गया है, होम्योपैथी, नैचुरोपैथी, एलोपैथी,
फिर अगे जो है आयुर्वेद का इलाज वो भी इत्थे हुंदा है, डॉक्टर हैं आयुर्वेद के वैद हैं, तो हर पूर्णवासी नूं चंद्रमा दीआं रिश्मां दे विच रुत अनुसार जड़ियां बूटियां पा के दरगाही खीर प्रसाद तैयार हुंदा है। सो कृपा है कि इस स्थान ते जो होर भी जुड़ गया योग अभ्यास का एक कार्यक्रम स्वामी हर्षानंद जी ने निवास रख्या है, क्योंकि अज देखा है कि ओवरवेट दीआं बीमारियां हन, क्योंकि जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी, योग नाम है जुड़न दा। सो सतगुरु ने कृपा कीती है, ये भी नाल योग दा ये अभ्यास करवाउंदे हन तां जो शरीर दी जड़ी पूरी तरह दे नाल निरोगताई कायम रखी जा सके। सो ये उपराले हन, इस तरह दे नाल आप जी ने हुणे इन्हां तो बचन सुने हन, ते जो अज दा ये सत्संग है ओ बाबा जंगीर सिंह जी संधु बहुत प्यार वाली रूह सी। जदों बाबा सतनाम सिंह जी साडे नाल सैन होजे तो 2019 विच फरवरी दा जो कि तकरीबन उस दिन 17 फरवरी सी, साडे नाल सैन होजे तो चले, प्यार सी आना तो उन्होंने वीकेंड ते सी, पर प्यार इन्नी खिच पई डॉक्टर परमवीर सिंह जी संधु उन्होंने पिता शिंगारा सिंह जी ते बाबा जंगीर सिंह जी संधु ये सारे दोवें परिवार मिल के महापुरशां दी याद विच बेकर्सफील्ड हर साल अखंड पाठ करवाउंदे बरसी समागम करदे हन, ते ये प्यार ही उन्हां नूं खिच के लै गया। डॉक्टर साहब परमवीर सिंह राहुल बार बार टैलीफोन करी गए कि जरूर आओ, तो वो साढ़े नाल उस दिन चल पे जदों बलराज सिंह जी की माता का संस्कार होया, ऐतवार सी, कुदरती घर विच खुशियां ही होके हटियां सन, इन्हां दे भाई दलजीत सिंह जी दे सपुत्र जिमी का विआह सी जूबा सिटी उस दिन होया, ते उस तो बाद वो फ्यूनल बलराज सिंह दी माता दा होया, ते उत्थे बाबा जी सतनाम सिंह बड़े खुश सन, बीबी दशमेश कौर भी नाल सन, जदों गड्डी च जा रहे सी बड़े खुश। असी सोचिया कि इस तरह दे नाल तां जदों अज समागम ही बहुत सोगमयी है, फ्यूनल ते जा रहे हां, तो फिर उत्थे जा के भी बड़े खुश, इन्हां दे जिहड़े साथी सन सारे हसरण, उन्हां नूं हसाउण। मैं एक पासे लिजा के बाबा जी नूं कहा कि देखो इत्थे शमशान भूम है, उत्थे फ्यूनल कह देंदे हन कि इस प्रक्रिया दे विच इस तरह चंगे नहीं लगते, कहिंदे ये वारी आई जानी, अगली वारी साडी ही है, तो सारिआं ने जाणा, तो फिर इस तो कहिंदे कि डरना है, हसदे हसदे जाना चाहिदा है। कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। बाबा जी का सुभा ही ऐसा सी, ते जदों 1998 विच महापुरश गए एले वल जा रहे सन, बाबा सतनाम सिंह जी की बेनती ते इन्हां दे घर ग्रह चरण पाए, महापुरशां नूं जदों दस्या पहलां तां गड्डी च उतरना, ते जदों कहा कि बाबा सतनाम सिंह जी की भूआ जी का घर है, तो महापुरश बहुत खुश होए, बड़ियां दातां दित्तियां। उस तो बाद भाई अमरजीत सिंह जी दे सपुत्र गुरमन सिंह का जन्म होया, कि इस तरह दे नाल ये प्यार दियां खेड़ां हन, ते वो प्यार दे विच ही ये सारा संधु परिवार सतपुरशां नाल जुड़िया है। बहुत बड़ा इन्हां दा उत्थे कारोबार है, जिमी आइसक्रीम का कारोबार चलता है, बड़ा बिजनेस है, सारा ही परिवार
ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਸਮੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। 95 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਕਬੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਨਮਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਗ ਹੱਸੇ ਤੁਮ ਰੋਏ, ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚੱਲੋ ਪਿਆਰੇ ਤੁਮ ਹੱਸੇ ਜਗ ਰੋਏ। ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੀ ਖੇਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਵਰਤਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਤਮ ਬੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਅੰਤ ਮਤੇ ਸੋਈ ਗਤੇ, ਜੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਪੁਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਨ ਹੋ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੱਧ ਸੰਪੂਰਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਹੋ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹੋਮੇ ਖੋਈ। ਹੋਮੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਮੇ ਬੁੱਝੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੇ।
ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਝਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੂਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬੂਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਪੂ ਚੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਪੇ ਇੱਕ ਗੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਪੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੁਰ ਜਾਵਣਾ, ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੁਰ ਜਾਵਣਾ, ਹਾਂ।
प्राण रो न को रह रंग न तुंग की वारी आपो अपनी कोई न बदती रो रोज ही स्नेह आ रहे हैं कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन गुरन मानी सद करे नी करया कर आओ सर पर मैथे आवना ना डरिया अटल सच्चाई है कि मरण लिखाए मंडल में आए ये जड़ी ये रंगली दुनिया है एक ना एक दिन इन छड के जाना ही पैना है हृदा पंख परोहणी दुनी सुहावा बाग क्यों चलन का कर साज फरीदा पंख परोहणी दुनी सुहावा बाग नौबत बजी सुबह चलन का कर साज ये तो जाने ही पैना है शरीर नाशवंत है शरीर दे संबंध करके किड़ा अगे जुड़दा चला जाता है जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुए जुड़े जीव जीव मुए मुए जीव केत्या के बाप केत्या के बेटे केते गुर चेले हुए आगे पछे गणत नावे इस वास्ते तैयारी रखिए। हुण बाबा सतनाम सिंह जी ने दी तैयारी सी जाण दे दिन बहुत खुश क्योंकि इन्हां नाल उन्हां दा दिली सांझ उम्र विच भी ये बराबर दे हानी थोड़ा जा फर्क है ते इन्नी खुशी कदे देखी नहीं सी कि अज इन्ने खुश क्यों हन फिर जाण दे समय क्योंकि वो ही गल करते घर दी कि जिथे जाना है पर डॉक्टर परमवीर सिंह नू बार बार कही जान ये घर सानू दे दे घर तेरा बहुत सोहना है कहिंदे अगे आ जिहड़ा लगदा कोड क्योंकि उन्हां दा घर बहुत वड्डा है वो कोड दी गल करते करते फिर उन्होंने कहना कि वो घर दा दरवाजा खोलण वास्ते भी कोड लगता है क्योंकि बजर कपाट ना खुलनी गुरशब्द खलीज है बड़िया खुलियां विचारां पांच दिन दे सत्संग सन उत्थे रखे गए बड़े खुले रात दे सत्संग 10 बजे तक चलते गुरद्वारा साहब तो आ जाते 12-1 बजे तक उन्होंने प्रवचन चलते फिर सवेरे आसा जी दी वार ते जाना हुंदा उत्थे भी फिर यही घर दी गल उस दिन याद आउंदा उह धरती ते जदों उन्हां दे अंतम बोल इन्हां दे घर संधु परिवार दे जदों अखंड पाठ दे भोग पे कीर्तन तो बाद जदों प्रवचन आए उहदे विच वी उन्हां ने यही दृढ़ करवाया कि देखो संसार ते वड्डे वड्डे होए ये बचन करदे करदे उन्हां दे उह अंतम बोल ऑन रिकॉर्ड हन
यूट्यूब ते हैं पर सुनियो किन्ने बरागमई बचन कि देखो संसार सारे ही दुखी है। मैं जानिया दुख मुझको दुख बड़े ने दुख विछोड़ा, एक दुख भूख एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए बैद ना भोले दारू लाए। बाबा जी दे उस समय अंतम बोल ऐसे आए। दुखिया सब संसार नानक दुखिया, नक दुखिया दुखिया, सब संसार नानक दुखियान, संसार दुखियान, नानक दुखियान दुखियान, नानक दुखियान, नानक दुखियान दुखियान, नानक दुखियान, दुखिया सब संसार नानक दुखियान, हाँ दुखिया सब संसार नानक दुखियान, दुखियान सरदान इंद्र रोया परस राम रोवे कर, अजय सरोवे पिख्या खाए ऐसी दरगह, रोवे राम निकाला पे सीताल हन विछड़ गए, रोवे दसिर लंक गवाए जिन सीतांडी डोरू आए, रोवे दहते मजूर जिनके स्वामी, रोवे तनमेजा खोए के आए की कारण, रोवे राजे पढ़ाए मंगे, रोवे सिख मसायक पीर अंत काल मत लागे, रोवे कृपन संजतन जाए पंडित रोवे, ओहो बाली रोवे नाए पतार नानक दुखिया। इस तरह की विचार ये संधु साहब के घर बेकर्सफील्ड
बाबा सतनाम सिंह जी दी मुखारविंद तो आई। कहिंदे देखो असी अमरीका च आ गए, आए तो इस वास्ते सी कि इत्थे बहुत पदार्थ है, धन दौलत है, शोहरत है, पर गुरु महाराज जी का तो यह अटल फैसला है कि नानक दुखिया सब संसार। सारे संसार च कहिंदे भी आ गया अमरीका, तो इत्थे आ के कहिंदे फिर पता नहीं कदों आ समा आ जाना, कै चुक के ऐ सुट दवे, कित्थे सुट दवे, ऐ कह के उन्होंने सिर सुट लिया। उही आखरी बोल अज भी वो सानू सेध बख्श रहे हैं। ओ मनमोहनी मूर्त, ओ प्यारा वो घर संधु साहब का, ते वो याद करा रहा है कि देखो किन्ना किहो जिहा समा आ जाता है, तो आ समा सारयां दे उत्ते ही आना है, क्योंकि आई असी लिखा के मन लिखाए मंडल में आए, पर जेड़े इस नूं याद रखते हैं संत महाराज राड़ा साहब वाले बड़े महाराज जी ये वचन कर दे कि ये अटल सच्चाई है कि इनू याद रखो, मरना सच है, जीना झूठ है। इस करके इस गल नूं जरूर याद रखो, बाकी तां सारा कुछ जिहड़े असी याद रखते हैं वैर विरोध ये तो सानूं फसा देंदे ने, फासन की विद सब को जाने छूटन की इक कोई, वैर विरोध काम क्रोध झूठ विकार मह लोभ त्रो यहूं जुगत बिहाने कई जन्म किन्ने ही बर्बाद कर ले। नानक राख लियो अपन कर करम, ये तो भुलाउण वालियां गल्लां हन, क्योंकि इंसान भुलाउंदा नहीं, ये सदा ही याद रखता है, इन्ना रखता कि आखिरी समय च भी अंत मते सोई गते फिर उही कर्म दा प्रतिकर्म चल पैंदा है। जमदियां मरदियां बहुत सजाए पिया दिस लम्मे, किड्डे रस्ते लंबे हो जाते हैं। इस करके ऐसे महापुरशां दी याद आउंदी है कि किन्ने प्यार वाले परिवार जिहड़े होरनां नूं भी उन्हां देशां दे विच याद करवाउंदे हैं, बड़ी वड्डी सेवा है। भाई अमरजीत सिंह जी, भाई दलजीत सिंह जी तो छोटे हैं, इन्हां दे भराता आत्म मार्ग मैगजीन की सेवा करते हैं, वो तो देशों ये किसी को समय ही नहीं कि इस पासे वाल लगे प्रधान हैं, वो प्रेरणा करते हैं कि इनू जरूर पढ़ो घर चलवाओ, ये बीबी जी सेवा करते हैं क्योंकि प्यार वाले हैं, प्यार च ही होंदा है, प्यार होंदा ही समर्पण है, सैक्रीफाइस होंदा है। सो इस प्यार विच हर साल ये परिवार रतवाड़ा साहब आउंदे हन। बीबी जी तो नेवी नवाउंदे ने, हर बरसी समागम ते पहुँच ही जाते हैं, तो भाई दलजीत सिंह जी इन्हां दे शौक हन, इधर टूरनामेंट होंदे ने, ये गर्मियां च आउंदे हन, तो बहुत एक परिवार के अगे बच्चे भी जिमें निशानियां प्रगट होंदियां हन, पियू दादे जवेहा पोत्रा परवान, कि अगे बच्चे भी उन्होंने उत्ते इन्हां दे चंगे संस्कार पे हन, सारे ये परिवार प्यार वाले हन। सो इस तरह के नाल हुण भी जिथे पिता जी दियां अपने पिता जी दियां अस्थियां लैके इस पवित्र पावन स्थान कीरतपुर साहब आए, पतालपुरी जल प्रवाह करके आए हैं, तो फिर इत्थे पहुँचे, इत्थे परसों तो ही उन्हां दे संबंध विच अखंड पाठ आरंभ सन, जिन्हां दे अज भोग पे हैं।
ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦੀਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਧੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਿਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸਮੁੱਖ ਸੀ, ਹੱਸੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਤ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ। ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ, ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੁਗਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ 10 ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 8 ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਕੇ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 6 ਵਾਰੀ, ਫਿਰ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 4 ਵਾਰੀ, ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ, ਆਖਰ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 1 ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੱਲ 2.5 ਏਕੜ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰਮਤ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਡ ਮੰਗਵਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਾਬੈਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਸੈਂਟੀਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਟਰੱਸਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਫਿਰ 2000 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਤਿਆਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5 ਫਾਊਂਡਰ ਟਰੱਸਟੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਪਰੋਚ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਘਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਖਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੱਧਵਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੱਧਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਤੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਸਵਾਸ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰਮਤ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ
यूएसए रजिस्टर्ड कराया। उन्हां दी सोच सी, सो समय दे नाल क्योंकि इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते ये काम चलने हन, कोई छोटे काम तो हुंदे नहीं। उन्हां दी सोच भी बहुत उच्ची सुची, वड्डी यूनिवर्सल अप्रोच, ते उन्हां नूं दिव दृष्ट तीन काल दा पता कि आउण वाले समय दे विच की होना है। सो तो एक तरह दे नाल उन्हां दी ये सारी खेड वर्त रही है। निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला धार जिन सगली मोही। शरीर का भी जदों उन्होंने आने वाली 31 अक्तूबर है, उस समय 2001 सी, हुण 22 साल पूरे होण जा रहे हैं। उस समय जो शरीर का परित्याग किया, उस समय भी आप जी जदों ये श्लोक पढ़िया बाबा लखवीर सिंह जी ने सुखमनी साहब का, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। उस समय उन्होंने सीधे बैठ के एक खेड वरताई। सो इस तरह के नाल 1 नवंबर बीजी ने भी शरीर का परित्याग कर दिता। सो ये 2 दिन बहुत प्यार विराग विच संगतां रतवाड़ा साहब जुड़दियां हन। तो पहला दिन 30 अक्तूबर का, उस दिन गुरु रामदास पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा है, वह भी संगतां ने मनाउणा है। तो जिहड़ा 2 नवंबर है, 2 नवंबर नूं दोवें उन्हां महान शख्सियतां दा, उन्हां बख्शियां रूहां दा अगमी बातां हन। उन्होंने इसी खेड वरता दिती। 2 नवंबर नूं ही दोवां दा ये जिहड़ा अंतम संस्कार सी रतवाड़ा साहब दी पवित्र पावन भूमि उपर होया, क्योंकि वह चाहुंदे कि साडा सारा ही तन मन धन इधर लग जाए। अखीर 5 भूतक शरीर चोले का भी उत्थे ही त्याग करके संस्कार होया। सो इस तरह के नाल 2 नवंबर, क्योंकि शरीर तो नाशवंत है, जो उपजो सो बिनसै परो आज के काल। इन्हें तो जाना ही है, सारे काल के अधीन हैं, पर संत जड़े हैं, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिन को काल ना खाता है। उन्होंने काल नहीं खा सकता, क्योंकि वह तो ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। सो उन्होंने फिर खेड भी ऐसी बरताई। सो 2 नवंबर नूं जिहदे सानू लड़ लाया शब्द गुरु सुरत धुन चेला, सुरत शब्द मार्ग दा रस्ता दर्शाया। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की गुरतक गद्दी नूं समर्पित किया जाता है। सो 4 दिन की वह गल कर दे कि इत्थे मेला ही 4 चंद रोज़ का है, तो वह 4 दिन ही गिणते कि फिर असी जिवें बाबा सतनाम सिंह जी कहिंदे कि असी अपने घर जाना। महापुरश भी यही वचन कर दे, कहिंदे गिणती कर लैनी 28, 29, 30, 31 कह के कहना कि हुण उस दिन असी बिल्कुल ठीक हो के अपने घर चले जाना है। हुण घर दा दसदा ते हन सतगुरु जी दसदे ने, सो दर के हा सो करके हा, कि है ही एक काया अंदर जिहड़ा सब कुछ है, अमृतसर साचा इहदे विच सारा काया दे विच है, पर उहदी रिसर्च करके पता लगता है। इस तरह सतपुरश उस घर दी दस पाउंदे हन। सो ये प्यार ते वैराग नाल ही रस्ता तय होना, उस घर तक पहुँचना है, क्योंकि बिन वैराग न छूट समाया। सो ये जिहड़े दिन वैराग दे हन 4 दिन, जरूर रतवाड़ा साहब सत्संग दे विच पहुँचो। उन्हां दा ध्यान आउण नाल ही आवे साहिब चित तेरियां भगतां डिठियां, किड्डी किरपा हो जाती है, क्योंकि वरसी ते ऐसी वर्षा हुंदी है। उन्हां नूं तां वर प्राप्त कि उह अवस्था ही ऐसी जिन्हां सास ग्रास न विसरे, हरनामा मन मंत, धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। सो ऐसी अवस्था दे उह मालक सानू भी चाहुंदे कि उस शहर दे वासी आपां भी बणीए। किहड़ा शहर? बेगम, जिथे कोई गम ही नहीं,
बेगमपुरा शहर को ना उस दे निवासी सानू भी बनाना चाहते हैं। सो इस वास्ते ऐसे दिन ते जरूर पहुँचो। इत्थे भी दस रहे सन कि इत्थों प्रबंध किए जाएंगे। सो जो भी प्रेमी जाना चाहते हैं जगह जगह ते, क्योंकि महापुरशां दी बख्शिश है, किरपा है। इधरले पासे कीरतपुर साहब तो अगे टिब्बी साहब है, बाबा गुरदेव सिंह जी रतवाड़ा साहब। बड़ी सेवा उन्होंने की, महापुरशां ने उन्हां दी ड्यूटी लाई। उन्हां वल्लों भी उत्थे स्कूल चलाए जा रहे हैं, 6 स्कूल उन्हां दे चलदे हन। उन्हां नूं भी बेनती की है कि 4 दिन स्कूलां छुट्टी करके ते ए जिहड़ियां बसां हन वो सारियां रतवाड़ा साहब भी 35-36 बसां हन ते उन्हां कोल भी हन। इस तरह दे नाल जिथे भी लोड़ होवेगी सवारियां नूं, वो लोड़ जिथे उस मुताबक सवारियां दा प्रबंध कर दिता जाएगा। सो इत्थे भी बाबा राम सिंह जी नाल संपर्क करो, वो सारा प्रबंध हो जाएगा। सो 4 दिनों दे विच जिन्ना भी समा तुसीं कढ सकदे हो जरूर पहुँचो। इन्हीं बेनतियों नूं प्रवान करना। देखो कितों कितों संधु साहब बीबी जी पहुँचे हैं, होर भी प्रेमी रतवाड़ा साहब पहुँच चुके हैं। बाबा सतनाम सिंह जी दे सपुत्र भाई अमरदीप सिंह जी अटवाल वो भी आए हैं। कृपा है बीबी दशमेश कौर जी, जो उन्होंने बाद बाबा सतनाम सिंह जी दे जीवन साथी हैं। वो सारा सत्संग का प्रयोजन उस उन्हें सिलीकॉन वैली जिथे कि बड़ा औखा माया का इन्ना प्रभाव है, उत्थे सारा ये सत्संग संचालित करते हैं। बाबा सतनाम सिंह जी अपने जीवन समय भी कहा करते बीबी नूं हास्य हास्य च बचन करने, कहिंदे जे पहला मैं चला गया तू तो पिछों संभाल लेना है सारिआं नूं ही, परिवार नूं भी, सत्संग मंडल नूं भी, पर जे तू चलेगी पहला मेतों, कहिंदे फिर मेतों नहीं संभालिआ जाणा। उन्हां दे बचन ऐसे ही सन, हौसला देंदे सन। ते इस तरह बीबी दशमेश बहुत दलेर हन, वह भी पहुँच रहे ने रतवाड़ा साहब समागम उपर। सो सत्संग जरूर करो, क्योंकि संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। इहदी रिसर्च किवें होनी है जद असीं ऐसे रियलाइज सोल जिन्होंने सैल्फ रिसर्च की, उस ब्रह्म अवस्था दे मालक ब्रह्म स्रोत्री ब्रह्म भक्ता ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म नेष्टी महापुरश उन्हां दी याद विच जो सत्संग है वह तरंग साधनी ही है। सो सारिआं ने उस दा लाहा लैणा है। सो इस समय चो समां कढ के असीं भी इस श्रद्धांजलि समागम दे विच बापू जंगीर सिंह जी दी निमित अरदास करन वास्ते आए हाँ। सो अरदास करन तो पहला उन्हां नूं श्रद्धांजलि अर्पित करिए। गुरु महाराज कृपा करन परिवारां च कारोबारां च वाधे बख्शिश करन, परदेसां विच इन्हां दा सारा ही परिवार बहुत प्यार वाला, गुरु कृपा करन आने वाले समय विच सुख शांति खुशियां बख्शिश करन, परिवारां विच कारोबारां विच वाधे बख्शिश करन। सो अरदास ही है कि जिथे उस विछड़ी आत्मा नूं शांति मिलनी है, परिवार दे विच भी आने वाले समय च सुख शांति वरतनी है। सो जरूर सारे आओ इस तरह नाल श्रद्धांजलि अर्पित करिए। पहला बोल के फिर अंदर सुनना, 1 मिनट मौन वर्त रह के फिर उस जगह ते पहुँचना जिथे नाम है। ये वास्ते आत्म मार्ग डिटेल च दसदा है। महापुरशां ने बचन करना कि फिल्मां तो बन गई, पर इन्हां तो उपर एक गल कीड़ी बननी है, नानक लेखे एक गल, वो आत्म मार्ग है। इन्हें कहना इन्हां तो उत्ते है, क्योंकि फिल्मां च तां जे असीं चलाउने आ मोबाइल ते लगातार ही आत्म मार्ग चैनल चलता है, 24 घंटे ही चलता है।
ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਵਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ, ਜਦੇ ਦੂਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਰਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੈਲਫ ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰੋਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹਨ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਦਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਜਰਬੇ ਹਨ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਐਸੀ ਮਨ 'ਤੇ ਮੈਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਪੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਨਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲੂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30-31-2 ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਅਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫੋਰ ਡੂ ਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਡੂ ਫੋਰ ਨੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, 30% ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 40 ਸੀ, ਹੁਣ 25% ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, 3-4 ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਨੂੰ ਭੋਗ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆਵੇ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਸੋ ਆਓ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਵਾਸੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਊਜਰਸੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕਮਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 38 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25-26-27 3 ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। 27 ਨੂੰ ਜੱਗ ਭੰਡਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਬਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਓ ਇਸ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜੀਏ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਰੁ ਹਰੇ ਕੇਰਾ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਰੂਖ ਸਮੇ ਸਾਰਣਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਤਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਮਸਾਏ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾ
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੀ ਸੋਧ ਤਿਤ ਕਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਪਾਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਖਲਵ ਸੂਰੇ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਦਿਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਸਗਤ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆਂਗੇ ਅਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਮੰਤ ਤੇ ਮੁਖ ਜੀਵੇ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
का सब का सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तां तां रशिया रियायत। देख तेग वती विरद की पैर पंथ की जीता। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी की बोल वाली बोलो जी। सिखा नु सिके दान केस दान वेग दान भरोसा दान विसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौकियां झंडे उंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसा जी साहिब बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत वत का राखा आप अकाल पुरख वाही गुरु। हे अकाल पुरख वाही गुरु ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुरधामा जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है जी। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे मान निताणिया दे तान नियोटिया दी ओट धन धन जुगो जुग अटल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पिता जी हो आप जी दे दर घर दे सेवक सरदार दलजीत सिंह जी संधु सरदार अमरजीत सिंह जी संधु समूह परिवार वालों अपने पिता स्वर्गीय सरदार जगीर सिंह जी संधु की याद नूं ताजा करते हुए ते उन्हां दे आत्मिक शांति वास्ते परसों रोज तो पावन पवित्र स्थाना ते तुरकी वाणी आए ते सगले चित मिटाए जी दे श्री अखंड जाप हुए हन सच्चे पिता जी। उपरंत संत बाबा हरपाल सिंह जी रतवाड़ा साहिब वालिया वालों लागी वाणी तुरकी वाणी रब्बी वाणी कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाई ध्याना दे महावाक अनुसार लागी वाणी दे कथा कीर्तन विचारा मुन्ना मन सच्चे पिता जीओ पढ़े सुने गुरवाणी सचखंड विखे सोध के प्रवान करे बिछड़े हुए आत्मा नूं अपने चरणा विच निवास बख्शना परिवार वालिया साख संबंधिया नूं भाणा मन्नण दे वल वधे बख्शणे समूह सेवक परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया तरकना नाम बाणी नाल जोड़ के रखना बच्चिया दे सिर ते मेहर भरिया तरकना माता पिता दे आग्याकारी बनाना सच्चे पिता जीओ सच्चे दीवाना अंदर आप जी दियां गौर व्यंत व्यंत संगतां ने हाजरियां भरियां तिल गुरबेटा मार रास्ता वस्ता अंदर प्रवान करनिया दरो घरों गुरसिखे नाम दान भरोसा दान बख्शना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो बचाना जी आदियां व्याधियां उपाधियां दे नाश करना समूह संगतां दियां शुभ मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूर्ण करनिया सेवक परिवारां वालों ग्रंथी सिंघां वास्ते बेअंत माया धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे वस्त्रां वास्ते बेअंत माया हाजर हुई है। आप जी ने सेवक परिवारां दे लजपत रखने चढ़दियां कलां वाले जीवन बख्शने देसां परदेसां अंदर अंग संग सहाय होना समूह संगतां दी अरदास बेनती है सच्चे पिता जीओ। संत बाबा हरपाल सिंह जी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना नाम बाणी नाल जोड़ के रखना तंदरुस्तियां बख्शना तां जो संत महापुरशा इलाके विच देसा विदेशा विच विचरदे होए समूह संगतां नूं नाम बाणी दे शहिपर लांदे होए गुरु दे जस गांदे होए
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੋਝੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਣ ਦੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਅਲਾਗੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਟੇ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਹੈ ਖੋਜ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇ, ਕੁਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਵਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬੋਲੇ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਣ
बहुत ही सत्कार जो भाई साहब भाई दलजीत सिंह जी संधु साहब भाई हरमनजीत सिंह संधु साहब समूह परिवार वालों सतगुरों की बाणी का मोटा आसरा दिया उन्होंने परिवार मैंबर पिता जी बहुत ही सत्कार जो बाबा जगीर सिंह जी जो पिछले समय इस दुनिया में अलविदा कह के अकाल चलान कर गए सर उन्होंने आत्म शांति के लिए गुरद्वारा संत बेला रामगढ़ विखे परसों रोज धुरकी बाणी आए तीन संघी जित मटाए के श्री खंड जा प्रारंभ कराए सन जिन्होंने भोग अच समय सिर पाए गए हैं गुरु देव जी।